ऐसे समय जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जैसे प्रतिष्ठित मुकाबले खेल रही है, पूर्व कप्तान राफिद लतीफ ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर को पिछले 5 महीने की सैलरी ही नहीं मिली है। उन्होंने दावा किया कि बाबर आजम पिछले कुछ दिनों से चेयरमैन को संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। उन्होंने सलमान नसीर पीसीबी के सीईओ को टेक्स्ट मैसेज भेजा। वह उस्मान वाला डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को भी मैसेज भेज रहे हैं। आखिरकार कप्तान के मैसेज का जवाब न देने का कारण क्या है? उसके बाद आप एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। लतीफ ने आगे कहा कि प्लेयर से कहा गया है कि हम उनके द्वारा हस्ताक्षरित सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर पुनर्विचार करेंगे। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अहम सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्लेयर्स को 5 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है, ऐसे में वे किस तरह खेलेंगे? पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर के अगर ये आरोप सही होते हैं तो वाकई में यह एक गंभीर स्थिति है। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के टीम की प्रदर्शन की बात करें तो वह अब तक 6 मैचों में 2 जीत और 4 हार के साथ अपने 4 अंक के साथ बनी हुई है।